नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन सभी के लिए जरूरी है। आज सभी की निगाहें टीवी पर टिकी है, तभी जानने के लिए उत्सुक है कि आगे की सरकार किसकी बनेगी, कौन चलाएगा देश को। इसके लिए सभी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। 5 साल तक सभी ने अपनी परीक्षाएं दी है, जिसके नतीजे आज शाम को आएंगे और सभी को पता चलेगा कि कौन है वो जो अब सरकार संभालेंगे। फिलहाल जैसा कि हम देख रहे हैं, भाजपा के नेता नागपुर से नितिन गडकरी के घर के बाहर कितनी सुरक्षा तैनात की गई है, चारों तरफ पुलिस की सुरक्षा लगाई गई है और कार्यकर्ताओं का जुमना लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। बस अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनावी नतीजे घोषित होंगे और सबको एक बार फिर नया प्रधानमंत्री मिलेगा। यहाँ नागपुर में फिलहाल नितिन जी आगे चल रहे हैं। नागपुर नितिन जी का गढ़ रह चुका है, पिछली बार भी वो बहुमत से जीते थे। अब देखना है कि क्या होता है, आखिरी नागपुर की जनता किसे चुनती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।